बेगूसराय में एक बार फिर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना का मामला सामने आया है, जहां पति पर क्रूरता के साथ अपने पत्नी की हत्या कर देने का सनसनीखेज आरोप लगा है। हैरान कर देने वाली घटना में एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बीवी की हत्या की बात सामने आ रही है। यह जानकर ग्रामीण सकते में है। दो मामलों में बचने के बाद साजिश के तहत अपनी तीसरी पत्नी की हत्या को पानी में डूबने से हुई मौत का रूप देने के लिए उसके सब को गांव स्थित पानी से भरे पोखर में फेंक दिया। मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली यह सनसनीखेज घटना जिले के बछवाड़ा थाना इलाके से सामने आ रही है। अज्ञात मृतिका की पहचान लगभग 36 घंटों से अधिक समय बाद हो सकी। बताया जाता है कि मृतिका अनारस देवी जिले के त्याय ओपी क्षेत्र के काजी रसलपुर गांव के रहने वाले आरोपी टीको राय की पत्नी है। आपको बताते चले कि बीते 28 जनवरी को स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर ओपी पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव काजी रसलपुर गांव स्थित पोखर से बरामद की थी। शव मिलने की खबर जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई और गांव में सनसनी फैला दी। पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति अडिग थी और उसी वक्त से ओपी की टीम अज्ञात महिला की पहचान की दिशा में जुट गई। हालांकि पुलिस को उसके मेहनत का परिणाम अगले दिन हासिल हुआ और पुलिस अधिकारी मृतिका के भाई को ढूंढ निकाला। मृतिका के मायके वालों ने मृतिका के पति पर न केवल एक हत्या का आरोप लगाया है बल्कि चौंका देने वाले खुलासा करते हुए उसने दावा किया कि इसके पूर्व भी आरोपी ने अपने दो बीवियों की हत्या कर पुलिस की नजरों से बच निकला। मृतिका अनारस देवी का भाई जगन्नाथ यादव ने बताया कि उसकी बहन यह दूसरी शादी थी। इसकी दूसरी शादी हुई थी काजी रसलपुर में, इसको मार के पोखर में फेंक दिया गया। कब पता चला आपको? कल शाम में पता चला। कौन हत्या कर सकता है? उसका हस्बैंड क्या का है, कोई वजह होगा? वैसे ये उसका मैंने वहाँ के गांव के लोगों से जानकारी की थी, ये इसका तीसरी घटना है। इससे पहले भी वो लोग दो घटना कर चुके हैं पत्नी के साथ। हाँ, उसने कहा कि इसके पूर्व उसने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर अंतर्गत सिरसी गांव में हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने अपनी बहन की शादी रचाई थी, लेकिन उसके बहनोई की हत्या हो गई। उन्होंने बताया कि उसी गांव के एक रिश्तेदार महिला ने आरोपी के साथ 2 साल पहले ही दूसरी शादी प्रेम विवाह के रूप में कराई और आज हत्या कर पानी में फेंक देने का आरोप लगाया है। वहीं त्याय ओपी अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर ने अज्ञात महिला के शव की पहचान होने की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दी गई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि परिवार के द्वारा अब तक किसी प्रकार की लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, आवेदन मिलते ही आरोप की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरियल किलर के आरोप की गुत्थी सुलझाने में पुलिस कौन सा रूप अख्तियार करती है और कब तक आरोपी को सलाखों के अंदर डालने में सफल हो पाती है। और क्या करते हैं वो? वो दुकान चलाता है। किस चीज का? बिस्कुट का। तो अभी यहाँ आए हैं कि नहीं? वो अभी नहीं आया। कहाँ है सब? फिलहाल है घर छोड़ के भागल है। हाँ। आपके कौन है मृतिका? मेरी बहन है। क्या नाम है उनका? अनारस देवी। कितना उम्र होगा लगभग? 40 वर्ष। पति का नाम? टीको है। घर कहाँ हुआ? काजी रसलपुर। तो ये घटना की जानकारी आपको कब मिली और कैसे मिली, आप आज आए हैं? कल हमको मिली है और तेगरा थाना के टीम जो बड़ा बाबू हैं उससे जानकारी मिली, मुखिया जी के माध्यम से। अच्छा, जानकारी मिली। क्या क्या जानकारी मिला था? जानकारी यही मिला था कि आपका कोई सिस्टर है ते काजी रसलपुर में शादी हुआ। बोले हाँ है, बोला उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुआ। कल मेरे यहाँ भरा बाबू गए तो उसका हम वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद हम लाश को पहचान किए। हम वाकई में ये मेरी बहन है और यहाँ भी आए तो देखे जो लाश मेरा ही है और उसको बेहतर तरीके से उसको मारा है। मैंने उसको मार के उसके शरीर पे एसिड छिटा है। एसिड छिटने के बाद उसको मार के घर के बगल में पोखर है उसमें डुबा दिया। उसी गांव में? हाँ, उसी गांव में। कब की घटना है ये? ये करीब ये लहाज में मिला है मैंने 28 तारीख को ये रिसीव हुआ है मैंने बड़ा बाबू के।
अच्छा, और ये घटना हमको कल मैंने पोस्टमार्टम 29 तारीख को सैटरडे को हुआ है, और ये बड़ा बाबू जानकारी कर रहे थे, जानकारी के दरमियान हमको कल मोबाइल पे फोन आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगन्नाथ कुमार हुआ। किनका लड़का है आप? त्रिवेणी है। घर कहाँ हुआ? बछवाड़ा। वार्ड संख्या? 9। कौन गाँव पड़ता है बछवाड़ा? भगवानपुर दियारा। भगवानपुर दियारा पड़ता है। तो मतलब इसमें आप आवेदन भी दिए हैं इसके खिलाफ? अभी नहीं दिए हैं, आवेदन लेके लास्ट उसके घर पे रखेंगे, उसके बाद अगला कर समस्तीपुर। तो वहाँ मतलब कैसे छूट गया? वहाँ उनका हस्बैंड मारे गए थे। अच्छा, तब फिर ये दूसरी शादी किए थे? ये अपने मन से की। बीएनबी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट।